बाराबंकी जिले में सरयू नदी में आई बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर और नीचे हो रहा है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से इस समय जिले की दो तहसीलें रामनगर सिरौली गौसपुर क्षेत्र के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को समुचित सुविधा मुहैया कराने को लेकर जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 15 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। इस समय बाढ़ से कई गांव जलमग्न हैं, जिससे सैकड़ों परिवार के पास खाने और रहने की समस्या हो गई है। जिला प्रशासन ने इन सभी लोगों को चौकियों पर ठहरने के साथ ही सभी सुविधाएं दी हुई हैं। जो बाढ़ प्रभावित लोग अभी भी अपने घरों में रह रहे हैं, जिला प्रशासन उनको घर पर ही खाना और अन्य जरूरत की चीज़ें पहुँचा रहा है। बाराबंकी जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह सुबह से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि नेपाल देश में लगातार हो रही बारिश के चलते पिछले 2-3 दिनों से सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर था। हालांकि आज नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रमुख रूप से हमारे दो तहसील रामनगर और सिरौली गौसपुर बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया, इस समय 15 मजरे जिनमें से 500 से 550 परिवारों के घरों के पास पानी पहुँच गया था। इन परिवारों में से काफ़ी लोग बंधे पर आ गए हैं, जिन्हें सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं। कुछ परिवार अभी भी अपने घरों में रह रहे हैं। उन सभी लोगों को घरों पर ही खाना और अन्य ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए 15 बाढ़ चौकियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ पर मेडिकल के साथ अन्य कैंप लगाए गए हैं, जिससे सभी सुविधाएँ पहुँच रही हैं। सभी लोग संतुष्ट हैं, किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। बाढ़ भी बाराबंकी में आई है। देखिए, जनपद बाराबंकी में जो घाघरा नदी है हमारे उत्तर दिशा से निकल रही है, तो उसमें मुख्यतः दो तहसील हैं हमारे यहाँ, रामनगर सिरौली गौसपुर, जहाँ पे बाढ़ की थोड़ी समस्या रहती है। पिछले 2 हफ्ते में जो लगातार बारिश हुई है, खासकर जो नेपाल में बारिश हुई, उसके कारण जो घाघरा नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से अब थोड़ा ऊपर, करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था। आज की डेट में अगर देखें तो खतरे के निशान से पानी नीचे आ गया है। तो कुल मिला के करीब 15 मजरे हैं, जिसमें 500-550 परिवार थे जिनके घर के अगल बगल पानी पहुंच गया था। उसमें से कुछ परिवार यहां बंधे पे भी आ गए थे, तो उनको बंधे पे रहने की जो पूरी व्यवस्थाएं होती हैं सारी करा दी गई थी, और लगातार जो यहां पे खाना बन रहा था और उन लोगों के लिए भोजन प्रोवाइड कराया जा रहा था। कुछ लोगों को घरों पर भी खाना भेजा जा रहा था। इसके अलावा यहाँ मेडिकल कैंप और वेटनरी कैंप, ये सब सारी चीज़ें लगा दी गई हैं। तो यहाँ वही लोगों से बातचीत हो रही थी, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं बताई गई है। सभी लोग संतुष्ट हैं। रात को भी लगातार लाइट जनरेटर के माध्यम से लोगों को मिल रही है। सारी व्यवस्थाएं एक तरीके से पूर्ण है। सर, अभी बाढ़ आनी बाकी है कि उसी के लिए हम लोग ये देखें, ये सब एक इनिशियल प्रिपरेशन की तरह ही है। तो जितने भी हमारे बाढ़ राहत शिविर होते हैं, करीब 15 शिविर पूरे ज़िले में हम लोग के स्थापित होते हैं, तो उन सभी जगहों पर जैसी व्यवस्थाएँ हम लोग देख रहे हैं उसी तरीके से व्यवस्थाएँ की जाती हैं। इसके अलावा कुछ परमानेंट शिविर भी हम लोग बनवा रहे हैं, राज्य सरकार द्वारा इसमें धनराशि प्राप्त हो गई है। और जितनी भी अलग अलग तरह की सुविधाएं होती हैं, वो भोजन का हो, राहत सामग्री वितरण का हो, मेडिकल सर्विसेज हो, वेटनरी सर्विसेज हो, सभी चीज़ें प्लान करके लोगों को प्राप्त हो, ये सुनिश्चित कराएंगे हम इसे बाढ़। अब देखिए, जब बाढ़ आएगी तो अगल बगल जो एरियाज़ हैं, जो फ्लड प्लेन जोन में आती हैं नदी के, तो उस एरिया में जो खेती बाड़ी है वो खेतों तक तो पानी पहुँचता ही है। कुछ आबादी हमारी ऐसी है जो बंधे के दूसरे साइड भी है, तो उन लोगों को 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जब बाढ़ आती है तो बंधे पे आना पड़ता है या राहत शिविरों तक जाना पड़ता है। तो उसके लिए राज्य सरकार लगातार लगी हुई है कि किसी को भी किसी